हेलो दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा हवाई जहाज़ों के बारे में, कि कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सी जगह पे है, ठीक है। और इंडियन एयरलाइंस क्या होती है, एयर इंडिया क्या होती है, ध्यान से सुने आप लोग। ऐसी हवाई जहाज़ जो केवल इंडिया के अंदर चलती है, जैसे इनकी जयपुर टू मुंबई, मुंबई टू कोलकाता, इन कलकत्ता टू चेन्नई। तो ऐसी हवाई जहाज़ जो केवल देश के अंदर चलती है, ने देश के बाहर नहीं चलती, जैसे यानी कि इंडिया से इनके बांग्लादेश के लिए, इंडिया से नेपाल, इंडिया से अमेरिका, इंडिया से अफ्रीका। ऐसी जहाज जो केवल देश के अंदर चलती है, ऐसी जहाज जो केवल इंडिया के अंदर चलती है, उन जहाज़ों पर लिखा होता है इंडियन एयरलाइंस। इंडियन एयरलाइंस क्या लिखा होता है? इंडियन एयरलाइंस, ठीक है। और ऐसी हवाई जहाज ने जो एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, यानी जैसे भारत से चली गई अमेरिका, अमेरिका से फिर इंडिया आएगी, फिर इंडिया से उन्होंने उड़ान भरती नेपाल के लिए, नेपाल फिर इंडिया से अफ्रीका के लिए। ऐसी जहाज जो एक देश से दूसरे देश में जाती है, उन जहाज़ों पर लिखा होता है एयर इंडिया। मतलब भारत की ऐसी हवाई जहाज जो एक देश से दूसरे देश के लिए चलती है, उन पर लिखा होता है एयर इंडिया। क्या लिखा होता है? एयर इंडिया, एयर इंडिया। अब ध्यान से सुने, प्रत्येक जिले में एक छोटा सा एयरपोर्ट होता है, यानी कि ऐसे समझे, एयरपोर्ट को तो छोड़ो आप, ना प्रत्येक जिले में हवाई जहाज के लैंडिंग के लिए या हेलीकॉप्टर के लैंडिंग के लिए ना सड़क वगैरह की व्यवस्था होती है प्रत्येक जिले में। लेकिन देश में कौन कौन से इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यानी जहाँ से हवाई जहाज एक देश से दूसरे देश के लिए रवाना होती है, उनके बारे में आज हम एक एक करके जानेंगे। यहाँ पे है अपना जम्मू कश्मीर, ने क्या ने जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में, यहाँ पे जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में क्या है, श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में क्या है, श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ पे पंजाब के अमृतसर में जो एयरपोर्ट है, पंजाब के अमृतसर में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम है गुरु रामदास एयरपोर्ट। क्या नाम है? गुरु रामदास एयरपोर्ट, गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। ने कहाँ पे है? अमृतसर में। और दिल्ली में ने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक और नाम है पालमपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी क्या, पालमपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दिल्ली में जो एयरपोर्ट है उसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में मिलेगा आपको लखनऊ, यूपी में, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। तो लखनऊ में जो एयरपोर्ट है उसका नाम है चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लखनऊ में जो एयरपोर्ट है उसका नाम है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या? चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में ही है वाराणसी, वाराणसी में है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मेरे साथ साथ याद करते चले, वाराणसी में है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कौन सा? लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ पे है? वाराणसी में, वाराणसी ने कहाँ पे? वाराणसी में। अब यहाँ पे अपन को बिहार की राजधानी पटना, बिहार की जो कैपिटल है वो है पटना, पटना में है जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कौन सा? जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, पटना में जयप्रकाश नारायण
અને જે પ્રકાશ નારાયણ ને એક આપે પટના મેં ઠીક હૈ યહાં પે પશ્ચિમ બંગાલ કે રાજધાની હૈ કલકત્તા અને પશ્ચિમ બંગાલ કે રાજધાની હૈ કલકત્તા અને કલકત્તા મેં જો હવાઈ અડ્ડા હૈ ઉસકા નામ હૈ સુભાષ ચંદ્ર બોસ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ સુભાષ ચંદ્ર બોસ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ સુભાષ ચંદ્ર બોસ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ કા એક ઓર નામ હૈ ઉસકા નામ હૈ દમદમ એરપોર્ટ યહાં પે કલકત્તા મિલેગા અપન કો સુભાષ ચંદ્ર બોસ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ કોણ સા સુભાષ ચંદ્ર બોસ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ કહાં પે કલકત્તા મેં અબ યહાં પે ઇનકી જો ઝારખંડ હૈ અને ઝારખંડ કી રાજધાની હૈ રાંચી સાથ કે સાથ યાદ કરતે ચલે ઝારખંડ કી રાજધાની હૈ રાંચી તો રાંચી મેં કોણ સા ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ હૈ અને ઝારખંડ કી રાજધાની હૈ રાંચી યહાં પે અને ઝારખંડ કી રાજધાની હૈ રાંચી તો રાંચી મેં જો ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ હૈ ઉસકા નામ હૈ બિરસા મુંડા ઇન્ટરનેશનલ હવાઈ અડ્ડા યાનિ કે બિરસા મુંડા યે કહાં પે હૈ રાંચી મેં બિરસા મુંડા યે કહાં પે હૈ બિરસા મુંડા આ પીછે લગા લિયા કરો ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ અંતરરાષ્ટ્રીય હવાઈ અડ્ડા બિરસા મુંડા અંતરરાષ્ટ્રીય હવાઈ અડ્ડા યે કહાં પે હૈ રાંચી મેં યહાં પે પટના ઝારખંડ કી રાજધાની હૈ રાંચી યહાં પે એક કલકત્તા હો ગયા યહાં પે મિલેગા આપકો રાંચી કોણ રાંચી ઠીક હૈ બીજુ પટનાયક બીજુ પટનાયક અંતરરાષ્ટ્રીય હવાઈ અડ્ડા યે હૈ ઓડિશા કી રાજધાની ભુવનેશ્વર કહાં પે હૈ ઓડિશા કી રાજધાની ભુવનેશ્વર મેં બીજુ પટનાયક અંતરરાષ્ટ્રીય હવાઈ અડ્ડા ભુવનેશ્વર મેં કોણ સા બીજુ પટનાયક બીજુ પટનાયક અંતરરાષ્ટ્રીય હવાઈ અડ્ડા કહાં પે હૈ ભુવનેશ્વર મેં ભુવનેશ્વર મેં યહાં પે અસમ હૈ અસમ મેં એક જગહ ગુવાહાટી ને કહાં ગુવાહાટી તો ગોપીનાથ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ ગોપીનાથ બારદોલી ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ કહાં પે હૈ અસમ મેં એક જગહ ગુવાહાટી વહાં પે હૈ કહાં પે હૈ ગુવાહાટી ગૈસે કોણ સા એરપોર્ટ ગોપીનાથ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ અને ગૈસે ગોપીનાથ ગૈસે ગુવાહાટી અને ગૈસે ગોપીનાથ ગૈસે ગુવાહાટી ઠીક હૈ સ્વામી વિવેકાનંદ એરપોર્ટ સ્વામી વિવેકાનંદ એરપોર્ટ યહાં પે ઇનકી ભુવનેશ્વર મેં હોગા બીજુ પટનાયક યહાં પે ઇનકી ઉડીસા વાલા જગહ ભુવનેશ્વર હો ગયા ભુવનેશ્વર કે ઠીક બગલ મેં યહાં પે લંબા સા આપકો મિલેગા છત્તીસગઢ ને ક્યા મિલેગા છત્તીસગઢ તો અને છત્તીસગઢ કી રાજધાની રાયપુર છત્તીસગઢ કી રાજધાની રાયપુર સ્વામી વિવેકાનંદ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ કહાં પે હૈ રાયપુર મેં સ્વામી વિવેકાનંદ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ રાયપુર મેં કહાં પે હૈ રાયપુર મેં ઠીક હૈ રાજીવ ગાંધી ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ હૈદરાબાદ મેં રાજીવ ગાંધી ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ હૈદરાબાદ મેં યહાં પે લિખ દેતા હું રાજીવ ગાંધી ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ યે હૈ હૈદરાબાદ મેં ડોક્ટર ભીમરાવ અંબેડકર અંતરરાષ્ટ્રીય હવાઈ અડ્ડા ડોક્ટર ભીમરાવ અંબેડકર ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ યે હૈ નાગપુર મેં ભીમરાવ અંબેડકર યે કહાં પે હૈ નાગપુર મેં નાગપુર મેં કહાં પે હૈ નાગપુર મેં ડોક્ટર ભીમરાવ અંબેડકર અંતરરાષ્ટ્રીય હવાઈ અડ્ડા નાગપુર મેં ને કહાં પે હૈ નાગપુર મેં તો યહાં સે અપન ને ક્યા ક્યા લપેટ લિયા ને છત્તીસગઢ લપેટ લિયા ઓડિશા લપેટ લિયા ઇધર સે ઇનકી બિહાર મેં લપેટ લિયા બિહાર કી રાજધાની પટના મેં જયપ્રકાશ નારાયણ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ થા યહાં પે અસમ કે ગુવાહાટી મેં ગોપીનાથ બારદોલી ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પશ્ચિમ બંગાલ કે કલકત્તા મેં સુભાષ ચંદ્ર બોસ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ ઠીક હૈ બિરસા મુંડા એરપોર્ટ ઇનકી ઝારખંડ કી રાજધાની રાંચી મેં યહાં પે હૈ અપના મધ્ય પ્રદેશ યે વાલી જગહ યે ક્યા હૈ મધ્ય પ્રદેશ રાની અહિલ્યાબાઈ અંતરરાષ્ટ્રીય હવાઈ અડ્ડા
रानी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये है मध्य प्रदेश के इंदौर में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के इंदौर में। यहाँ पे लिख देता हूँ रानी अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट मध्य प्रदेश के इंदौर में। मध्य प्रदेश में एक जगह इंदौर, वहाँ पे है ये, ठीक है। रानी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राणा प्रताप अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पता ही होगा आपको, राणा प्रताप अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये है राजस्थान के उदयपुर में। कहाँ पे? राजस्थान के उत्तर पर, राजस्थान की एक जिला है उदयपुर, वहाँ पे राणा प्रताप अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन सा? राणा प्रताप अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये है राजस्थान के एक जिले उदयपुर में, राजस्थान का जिला ही उदयपुर, यहाँ पे है। इधर से अपन ने उड़ीसा लपेट लिया, छत्तीसगढ़ लपेट लिया, मध्य प्रदेश लपेट लिया, यहाँ पे यानी कि राजस्थान वाला एरिया लपेट लिया। अब गुजरात में चलते हैं। कहाँ पे? गुजरात में, ठीक है। ना सरदार वल्लभ भाई पटेल या सरदार पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये है गुजरात में। सरदार पटेल यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुजरात में। भाई पटेल या सरदार पटेल कह सकते हो, सरदार पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह है गुजरात में। मैंने कहाँ पे? गुजरात में। अब गुजरात के ठीक नीचे यहाँ पे ये गुजरात वाला एरिया हो गया। अब यहाँ पे ये वाला महाराष्ट्र वाला एरिया है, ये किसका एरिया है? महाराष्ट्र वाला। तो मैंने शिवाजी छत्रपति अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मैंने छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये है मुंबई में। ने कहाँ पे है? मुंबई में। ने छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में, यहाँ पे है। ने इसका एक और नाम है सांता क्रूज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या नाम है? सांता क्रूज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये किसका नाम है? ने छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का एक और नाम है सांता क्रूज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह है मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। अब यहाँ पे मुंबई महाराष्ट्र के ठीक नीचे आता है गोवा, ये वाला ये छोटा सा क्या है? गोवा। ने क्या है? गोवा। ने गोवा में है दाओलिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन सा? दाओलिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यहाँ पे गोवा में है दाओलिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ने दाओलिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में। ने कहाँ पे? गोवा में। अब यहाँ पे गोवा, गोवा हो गया, ये वाला एरिया अपना कर्नाटक वाला आ गया। कौन है? कर्नाटक केम्पागौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कर्नाटक के बेंगलोर में। दोबारा से सुने, केम्पागौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर्नाटक के बेंगलोर में। तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे बेंगलोर, तो केम्पागौड़ा ने केम्पागौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर्नाटक के बेंगलोर में। केम्पागौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर्नाटक के बेंगलोर में। कर्नाटक के जस्ट ठीक नीचे आ जाओ, ये वाला तमिलनाडु है। इन्हें क्या है? तमिलनाडु। तमिलनाडु के आपको यहाँ पे मिलेगा अन्ना या मणिपक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ने क्या? अन्ना या मणिपक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मणिपक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये यहाँ पे है तमिलनाडु के इस वाली जगह पे। अन्ना या मणिपक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तमिलनाडु में। ने कहाँ पे? तमिलनाडु में, ठीक है। यहाँ पे इनकी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है वो है पोर्ट ब्लेयर, यहाँ पे समुद्र में। ने क्या है? अंडमान व निकोबार द्वीप, अंडमान व निकोबार द्वीप, इस तरह से हैं ये चार हैं, इस तरह से हैं। जो ऊपर वाला है इसे कहते हैं अंडमान। यहाँ पे यानी कि ये जो चार अंडमान जो है, ये छोटे छोटे चार द्वीपों के ग्रुप को, एक द्वीप, दो द्वीप, तीन द्वीप, चार द्वीप, इन ग्रुप चार द्वीपों के ग्रुप को अंडमान कहते हैं। और इसके ठीक जस्ट नीचे है निकोबार। ने क्या है? निकोबार।
यानी जैसे इसे बोलते हैं कि ऊपरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, यानी जो अंडमान व निकोबार की राजधानी वो है पोर्ट ब्लेयर। तो बी डी सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? पोर्ट ब्लेयर में। वी डी सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में। वी डी सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में, यानी वी डी सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में। यहाँ पे है उत्तराखंड, इस वाली जगह पे। ये क्या है? उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के देहरादून में है जॉली ग्रांट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन सा? जॉली ग्रांट। जॉली ग्रांट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तराखंड के देहरादून में। जॉली ग्रांट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तराखंड के देहरादून में, ठीक है। तो एक बार ऊपर से रिवीजन करते चले, श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर में, ठीक है। श्रीनगर के ठीक नीचे पंजाब आता है, जम्मू कश्मीर के ठीक नीचे पंजाब आता है, पंजाब के अमृतसर में है गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली में है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। उत्तर प्रदेश में दो दो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, एक तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इन्हें कौन कौन सा है? एक तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वाराणसी में है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश के जस्ट नीचे, जस्ट यानी कि उत्तर प्रदेश के ठीक बगल में बिहार आ जाता है, बिहार की राजधानी पटना, पटना में जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पटना बिहार के ठीक बगल में। यहाँ पे मिलेगा अपन को असम, इस तरह से, इस तरह से है असम। तो असम के में एक जगह गुवाहाटी, तो गुवाहाटी में है गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ने पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में है सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसका एक और नाम है दमदम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। ने पश्चिम बंगाल के ठीक नीचे उड़ीसा, उड़ीसा में है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, भुवनेश्वर में है बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यहाँ पे न स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रानी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में, और यहाँ पे यानी कि राणा प्रताप अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा राजस्थान के उदयपुर में, ठीक है। सरदार पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुजरात में, इन्हें छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा महाराष्ट्र के मुंबई में, दावोलीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इन्हें कहाँ पे? गोवा में। केम्पागौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर्नाटक में। अन्नाया मणिपक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इन्हें कहाँ पे? तमिलनाडु में। इन्हें कहाँ पे? तमिलनाडु में। यहाँ पे अपना इनकी ये तमिलनाडु ऐसे नहीं है, एक्चुअली यहाँ तक है ये, यहाँ पे इनकी छोटा सा क्या जाता है यानी तेलंगाना जाता है, और इस तरह से अपने नक्शे को कुछ सही बैठा नहीं सेटअप, इस तरह से यानी कि आंध्र प्रदेश आएगा, यानी क्या आएगा? आंध्र प्रदेश। जॉली ग्रांट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देहरादून में, यानी कहाँ पे? देहरादून में। भारत का पहला ग्रीन एयरपोर्ट, भारत का पहला ग्रीन एयरपोर्ट, और भारत का पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, ध्यान से समझना, एक तो ग्रीन एयरपोर्ट और एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। भारत का पहला ग्रीन एयरपोर्ट है, यहाँ पे अपन को मिलेगा केरल, ने क्या? केरल। ने केरल में एक जगह है कोची, तो कोची में है ग्रीन एयरपोर्ट। भारत का पहला ग्रीन एयरपोर्ट कहाँ पे बनाया गया? केरल के कोची में। कहाँ पे? केरल के कोची में, ने केरल के कोची में भारत का पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। यहाँ पे यानी कि उत्तर प्रदेश है, ये वाली जगह उत्तर प्रदेश है, ठीक है। ने क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में यहाँ पे है नोएडा, यानी क्या है? नोएडा। नोएडा के जेवर में, नोएडा, नोएडा है, ठीक है, नोएडा डिस्ट्रिक्ट। अब नोएडा डिस्ट्रिक्ट में एक, नोएडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जेवर एक जगह, तो जेवर में क्या बनाया गया? भारत का पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। अब ये ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट क्या होता है और ग्रीन एयरपोर्ट क्या होता है, इसे ध्यान से समझें। जैसे कोई एयरपोर्ट बनाया गया, एयरपोर्ट बनाया गया वहाँ पे इनकी बिजली की आवश्यकता होती है, लाइट वगैरह, और जो एयरपोर्ट होता है उसके अंदर एसी वगैरह चलते रहती है, तो वहाँ पे बिजली की खपत होती है। यदि हम बिजली की पूर्ति सौर ऊर्जा से करें, यदि बिजली की पूर्ति सौर ऊर्जा से करें तो उसे कहते हैं ग्रीन एयरपोर्ट। यदि बिजली की पूर्ति सौर ऊर्जा से करें उसे कहते हैं ग्रीन एयरपोर्ट। यानी कि कुल मिलाकर ऐसा है कि जो यहाँ पे केरल का कोची एयरपोर्ट है, इन्हें इस कोची एयरपोर्ट में इनकी लाइट की, जितनी लाइट की आवश्यकता होती है उतनी लाइट कहाँ से मिलती है? सौर ऊर्जा से। इन्हें कहाँ से? सौर ऊर्जा से। यानी यदि, अब ध्यान से सुनो,
यदि कोई सिटी है जैसे दिल्ली है, अब दिल्ली के बीचों बीच में अपन को कोई एयरपोर्ट बनाना, अब एयरपोर्ट बनाने के लिए 2-3 किलोमीटर लंबी सड़क चाहिए, ठीक है, और काफ़ी जगह चाहिए। तो अगर हम इनकी दिल्ली के बीचों बीच में एयरपोर्ट बनाएंगे तो वहाँ पे काफ़ी लोगों की ज़मीन होगी, तो उस ज़मीन को ख़रीदने के लिए गवर्नमेंट को अधिक मुआवजा देना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि हमें इनकी मेन दिल्ली में एयरपोर्ट बनाने की ज़रूरत है, हमें इनकी दिल्ली के बाहर एयरपोर्ट बनाए, यानी कि ऐसे ही इन्हें शहर के बीचों बीच में एयरपोर्ट बनाने की क्या आवश्यकता है, शहर से दूर एयरपोर्ट बनाए। तो ऐसी जगह पर एयरपोर्ट बनाया गया जहाँ पर इनकी फसल पैदा होती है, उस जगह पर इनकी एयरपोर्ट बनाया गया, यानी कि मेन सिटी में एयरपोर्ट न बनाकर, यानी कि सिटी के बाहर जहाँ पर इनकी फसल पैदा होती है, यानी जहाँ पर कोई घर वगैरह नहीं है, यदि उस जगह पर एयरपोर्ट बनाया जा रहा है तो उस एयरपोर्ट को कहते हैं ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, यानी क्या, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। तो भारत का पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश का एक जिला है नोएडा, नोएडा में एक जगह जेवर, वहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। भारत का पहला ग्रीन एयरपोर्ट ये केरल के कोची में है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी, बाकी अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद साथियों।